सब मानने वाले नहीं, नीलफेस बनने से रोकने वालों को रगड़ देंगे। देश में लोकसभा चुनावों के सुबुगाहट के बीच नीतीश कुमार पूरे एक्शन में दिख रहे हैं। खासकर जेडीयू अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो किसी ऐसे मिशन पर है तो जिससे बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो उन्होंने फिर से कुछ ऐसी तैयारी शुरू कर दी जिससे कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हिलते हुए नजर आ सकता है। ऐसे में आइए हम भी इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद नीतीश कुमार में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है मानो नीतीश कुमार पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए। जाहिर सी बात है कि इनके तेवर को देखकर विरोधियों की बात तो छोड़िए, सहयोगियों में भी घबराहट हो सकती है। यहाँ कहा तो यह भी जा रहा है कि वो पाला बदल सकते हैं। वैसे वो इंडिया गठबंधन छोड़े या नहीं, लेकिन जिन्होंने इन्हें गठबंधन में किनारे लगाने की कोशिश की उनको वो माफ करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। अगर शुरुआत लालू यादव से करें तो उन्होंने कई बार राहुल गांधी के प्रति अपना झुकाव दिखाया, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार का नाम किसी भी पद के लिए प्रस्तावित नहीं किया। वहीं अब तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की किसी विशेष चर्चा से इनकार किया। यानी कि जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को संयोजक बना सकता है, तो इस पर एक तरह से कांग्रेस ने फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए जेडीयू ने सीट बंटवारे से पहले खुला ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपनी सिटिंग सीटें नहीं छोड़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि महागठबंधन के अन्य दलों को 24 सीटों में ही बंटवारा करना होगा। वहीं नीतीश कुमार के तेवर से साफ है कि अगर लालू यादव और राहुल गांधी ने सीट बंटवारे में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखें तो अगर जेडीयू ने इरादा बदला तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों को बिहार में विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। वैसे नीतीश कुमार के रडार में अब ममता बनर्जी भी आ गई। दरअसल इंडिया गठबंधन के बैठक में ममता बनर्जी ही नीतीश कुमार को झटका देते हुए पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था। ऐसे में अब वो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं सबक सिखाने में तैयार नजर आ रहे हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा कर सकते हैं, जहां वह ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेते हुए नजर आ सकते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी और वाम दल एक दूसरे के धूर विरोधी है। वहीं टीएमसी नेताओं के तरफ से ऐसे भी बयान सामने आए हैं कि वो वाम दलों को सीट देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर वाम दलों के आयोजन में शामिल होते हैं तो यह ममता बनर्जी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि यह एक तरह से नीतीश कुमार का ममता बनर्जी के बदले वाम दलों को समर्थन के रूप में देखा जाएगा। इस तरह नीतीश कुमार अब पूरी तरह से एक्शन में दिख रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने उन दलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से वो संयोजक और पीएम फेस नहीं बनाए गए। इससे यह साफ है कि वो भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहे, लेकिन उनकी वजह से आरजेडी, कांग्रेस और टीएमसी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन में आगे क्या होता है।